सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। हरे कृष्णा मित्रों, सभी को मेरी तरफ से। तो मित्रों, मैं आज के को नई वीडियो लेके आ गया हूँ जो कि है वीवो X70 Pro के मतलब रिलेटिव्स आने वाले हैं बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर। वैसे लॉन्च तो हो चुके हैं पर जल्दी इनकी सेल भी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बारे में आपको आज की वीडियो बताऊंगा। तो जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो मित्रों, जो वीवो X70 Pro के जो रिलेटिव है वो है वीवो X70 Pro, जिनके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है 6.78 इंच की E5 AMOLED डिस्प्ले, जो कि बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलती है। और वहीं इसके अंदर आपको 2K मतलब की रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, 2K डिस्प्ले का रिजोल्यूशन, जो कि बहुत ही बढ़िया अच्छा पिक्सल्स का रिजोल्यूशन देखने को मिलता है। बहुत ही आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है इसकी डिस्प्ले की। और वहीं इसके अंदर आपको 300Hz का टच सैम्पलिंग रेट और 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप हाई सेटिंग्स और हाई ग्राफिक्स पर भी गेमिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ज्यादा मतलब कि ऐसा बताया कि इसमें आप गेमिंग भी करेंगे मतलब कि ज्यादा देर तक या ज्यादा टाइम तक, तो भी आपको इसके अंदर लेके हैंग देखने को नहीं मिलेगा, कुछ मतलब ज्यादा इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा पावर पैक स्मार्टफोन है और बहुत ही आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। और इसमें आपको एक नए तरह की मतलब की सिक्योरिटी देखने को मिलती है, मतलब नए तरह का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। अब उसका मुझे मतलब कि नाम याद नहीं आ रहा है शायद तक उसका प्रोटेक्शन का नाम क्या है। वैसे मतलब ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है इसके फ्रंट में, जो कि बहुत अच्छा है। अगर थोड़ी बहुत ऊंचाई पर से गिरता है तो उसे दिक्कत नहीं होगी, और ज्यादा ही अगर आप गिराएंगे उससे मतलब कि ड्रॉप टेस्ट करेंगे, उसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करेंगे, तो आपको मतलब कि पानी में चल जाएंगे जितने पैसे का हैगा। वैसे ये बहुत ज्यादा महंगा है, इसलिए इसको आप बचा के रखिएगा, इसको आप लोकर में रख के रखिएगा ताकि दिक्कत ना आए इसको। मैं बात करता हूँ अब इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की। तो इस स्मार्टफोन के अंदर जो कैमरा सेटअप है वो भी बहुत ही बढ़िया कैमरा सेटअप देखने को मिलता है इसके अंदर आपको। मतलब कि इसमें आपको पीछे की तरफ क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको 50 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि है सैमसंग का GNV का सेंसर, जो कि बहुत ही बढ़िया सेंसर देखने को मिलता है। उसकी भी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है प्राइमरी कैमरे की, और उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको खराब क्वालिटी देखने को मिलती, बहुत ही अच्छी कैमरे की क्वालिटी देखने को मिलती है। वैसे भी ज्यादातर जो वीवो की X सीरीज है वो अपने कैमरे के लिए ज्यादा जानी जाती है। इसके अंदर आपको Zeiss का सेंसर देखने को मिलता है, मतलब कि Zeiss का ये मतलब कैमरे का सेंसर देखने को मिलेंगे इस स्मार्टफोन के अंदर ज्यादातर, और उस हिसाब की पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है। और इस स्मार्टफोन के अगर मैं सेकेंडरी कैमरे की बात करता हूँ, इसके अंदर आपको 12 MP का पोर्ट्रेट कैमरा देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया कैमरा है। इसके अंदर आपको गिम्बल स्टेबलाइजेशन का भी फीचर देखने को मिलता है। अब मैं जो इस कैमरा सेटअप की बात करता हूँ, तो जो ये कैमरा सेटअप है इसके अंदर मैं पूरे के पूरे आपको एक नई अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा इसके कैमरा सेटअप के बारे में, जो इसके फीचर्स है, इसके अंदर पिक्चर क्वालिटी कैसी है, वो सब मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो इसके कैमरा का मतलब फीचर्स है और जो जानकारी है बहुत ज्यादा है, इसलिए इसके लिए मुझे अनदर मतलब कि एक पर्टिकुलर एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी दे पाऊंगा इसके कैमरे के बारे में इस वीडियो में। तो और इस स्मार्टफोन के अंदर जो थर्ड सेंसर है वो हैगा 48 MP का अल्ट्रावाइड कैमरा, और 8 MP का इसके अंदर एक और कैमरा देखने को मिलता है, जो कि है टेलीफोटो कैमरा, जो जिसकी मदद से आप 5x तक ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और खास बात बताता हूँ इसके कैमरे के हिसाब से, इसके अंदर आपको वीवो की V1+ चिप देखने को मिलती है, जो कि आपके कैमरे के लिए ही काम करेगी। इसका जो मतलब जो इस चिप को बनाया गया है, इस चिप को इसके अंदर डाला गया है इसलिए, क्योंकि जो आप फोटो क्लिक करते हैं या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं सिर्फ इसके कैमरे के लिए ही करा गया है, ताकि जो इतना सारा मतलब कि इसके अंदर जो प्रोसेस मतलब कि बहुत ज्यादा बल्क हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है जो मेन चिपसेट है उसका, मतलब बर्डन कम करने के लिए इसके अंदर एक और नया चिपसेट लगाया गया, वो भी सिर्फ मतलब कि कैमरे के लिए लगाया गया है, ऐसा नहीं है कि और चीज के लिए भी, सिर्फ इसके अंदर कैमरे के लिए इसके अंदर एक और नया चिपसेट लाया गया है। बहुत ही यूनिक काम करा है वीवो ने और बहुत ही बढ़िया काम करा है। अब ये देखते हैं कि कैसा काम करेगा और कैसा मतलब इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और इसके अंदर फ्रंट में आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि भी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है। अब इस स्मार्टफोन के अगर हम डिजाइन की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर जो डिजाइन है वो फ्रंट से तो आपको वीवो X70 Pro की जैसी ही डिजाइन देखने को मिलती है, ज्यादा आपको कुछ मतलब की डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। वहीं इसके जो बैक की डिजाइन है उसमें भी आपको पीछे की तरफ ग्लास का मतलब की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, उसमें बहुत ही बढ़िया आपको मतलब पीछे का डिजाइन देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको जो बैक की तरफ देखते हैं, तो इसके अंदर बहुत ही अलग तरह का मॉड्यूल है इसके कैमरे का, बहुत ही अलग है। पीछे की तरफ एकदम रेक्टेंगुलर टाइप का मॉड्यूल है, और उसके अंदर बीच में एक सर्कुलर राउंडेड मतलब जिसके अंदर आपको 3 कैमरा देखने को मिलते हैं, और एक कैमरा जो है सर्कल राउंडेड मतलब मॉड्यूल से बाहर देखने को मिलता है। अब बहुत ही बढ़िया बात है और बहुत ही बढ़िया मॉड्यूल देखने को मिलता है इसके अंदर आपको 3 कैमरा मतलब 4 कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, और जिसकी डिजाइन है उसके अंदर आपको ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है Zeiss की, और पीछे की तरफ आपको वीवो की ब्रांडिंग तो देखने को मिल ही जाती है। साथ ही में आपको पीछे की तरफ ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके अंदर 3 LED फ्लैश भी देखने को मिल सके,
जो कि बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही आपको मतलब अच्छी टॉर्च से देखने को मिल जाती है। अब डिजाइन के बाद बात कर लेते हैं हम इस स्मार्टफोन के चिपसेट की। तो जो चिपसेट है वो तो जाहिर सी बात है बहुत ही बढ़िया चिपसेट देखने को मिलेगा क्योंकि फ्लैगशिप स्मार्टफोन है तो वीवो का। तो इसके अंदर जो आपको चिपसेट देखने को मिलता है वो है स्नैपड्रैगन का 8th जनरेशन का वन चिपसेट जो कि बहुत ही बढ़िया चिपसेट है। अब इस चिपसेट की बात कर लेते हैं तो ये चिपसेट जो कि है बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा आपको गेमिंग में भी और ज्यादातर मतलब कोई से भी यूसेज करेंगे आप मतलब कोई से भी आप काम करते हैं कोई से आप टास्क करते हैं मोबाइल से तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर और एकदम न्यूली प्रोसेसर है वैसे भी ज्यादा अच्छा ही प्रोसेसर माना गया है स्नैपड्रैगन 8th जनरेशन 1 को। तो अब इस स्मार्टफोन के हम एक और मेन चीज जो कि है इसका एंड्रॉइड वर्जन आप जानते होंगे इसके अंदर एंड्रॉइड वर्जन कौन सा होगा। जाहिर सी बात है इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट देखने को मिलता है और इसके अंदर फ्रंट टच ओएस 12 का भी आपको यूआई देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा यूआई बोलते हैं वैसे और बहुत ही अच्छा माना गया है। इसके अंदर आपको ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें कम मतलब बोला जा रहा है कि मुझे लगता है कि इसमें आपको शायद तक ब्लॉटवेयर्स और एड्स देखने को मिलेंगे और ज्यादातर रिकमेंडेशन जो दूसरे एप्स की वो कम देखने को मिलेगी। बिल्कुल शायद तक स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाए शायद तक वैसे पता नहीं है वीवो के ऊपर है कि कैसा आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। वैसे इसमें बताया गया है कि इसके अंदर आपको 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलते हैं और 3 साल के आपको इसके अंदर एंड्रॉइड के अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे मतलब बहुत ही बढ़िया अच्छी बात रहेगी। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप की क्योंकि अब आपको मोबाइल को चलाना है बहुत अच्छे फीचर्स दिए गए हैं तो इसको चलाने के लिए आपको कम से कम बैटरी तो अच्छी चाहिए सही। तो इसके अंदर आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी तो नहीं बोल सकते नॉर्मल बैटरी दी गई है ऐसी बात है जो आराम से एक दिन का बैकअप दे देगी अगर आप नॉर्मल यूसेज करते हैं। और आप अगर जैसे ज्यादा ही वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं मैं इधर आप वीडियो बनाते हैं आप कॉन्टेंट क्रिएटर हैं या फिर आप ब्लॉगिंग करते हैं या फिर आपको फोटो खींचने का बहुत ज्यादा शौक है आप गेमिंग करते हैं तो ये इसकी बैटरी बहुत जल्दी ही मतलब कि डिस्चार्ज हो जाएगी बहुत ही जल्दी मतलब कि हिम्मत छोड़ देगी अब क्या बोले इसको कुछ भी समझ लीजिए आप। वैसे इसको चार्ज करने के लिए 80 वॉट का फास्ट चार्जर दिया गया है जो कि आराम से ऐसा मतलब वीवो ने क्लेम करा है कि 37 मिनट के अंदर ये 100% तक पूरा का पूरा चार्ज कर देगा मतलब बहुत ही बढ़िया बात हो जाती है 37 मिनट के अंदर पूरा 100%। अब देखते हैं कि कितने मिनट में करता है वैसे मेरे पास मोबाइल नहीं है नहीं तो बता देता कि कितने मिनट में कर सकता है ये। फाइनली इसके जो स्टोरेज है और इसके रैम की बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको सिंगल रैम और सिंगल स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको 12 GB की रैम और 256 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है जो कि बहुत ही बढ़िया स्टोरेज मतलब स्टोरेज है और बहुत ही अच्छी आपको रैम भी देखने को मिलती है। इसमें शायद तक आपको मुझे लगता है कि UFS 3.1 स्टोरेज टाइप और LPDDR5 रैम टाइप ही देखने को मिले क्योंकि फ्लैगशिप स्मार्टफोन है तो सब कुछ अच्छा ही देखने को मिलने वाला है। और इसका जो सेंसर है उसकी बात करते हैं तो जिसके अंदर सेंसर देखने को मिलता है आपको इसके अंदर 3D मतलब अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है बहुत ही बढ़िया फिंगरप्रिंट स्कैनर है। और इसमें ऐसा बताया गया है कि आप इसके अंदर एक फीचर देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट स्कैनर की मदद से कि अगर आपने कोई सा पर्टिकुलर आप ऐप जो है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं उस मतलब ऑप्शन में जाके अगर आपने अपना मोबाइल ओपन करा तो आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है आपको उसी ऐप पर लेके चल जाएगा डायरेक्ट जहां पर आप उस ऐप पर जिस ऐप पर आप जाना चाहते हैं। आप समझ गए होंगे मेरी इस भाषा को और मेरी इस बात को मतलब भावनाओं को कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइस की। तो फाइनली जो इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा रखी नहीं गई है कमी मतलब ज्यादा मीडियम मतलब फ्लैगशिप स्मार्टफोन के हिसाब से ठीक ठाक प्राइस रखी गई है ऐसा बताया जा रहा है। इसकी प्राइस जो है 79,999 रुपीज है और ये इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है और जो इसकी सेल स्टार्ट होने वाली है वो है शायद तक 24th या 25th मई को इसकी जो है सेल स्टार्ट हो जाएगी जो कि बहुत ही बढ़िया बात होने वाली है फ्लिपकार्ट के ऊपर। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात रहेगी। और जो ये स्मार्टफोन हैगा इसकी प्राइस आप डिस्काउंट में ले सकते हैं जैसे मतलब इसकी लॉन्च हुआ है इंडिया के अंदर तो इसको आप डिस्काउंट में भी पा सकते हैं मतलब 72,999 में भी पड़ सकता है मतलब 6,000 कम में पड़ सकता है जो कि वो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी मतलब 6,000 से 7,000 कम में पड़ सकता है ये वाला स्मार्टफोन बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। और अगर आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं इस स्मार्टफोन को तो आराम से 65,000 तक भी जा सकता है। अब ऐसा बताया जा रहा है और मुझे पता नहीं कि आप एक्सचेंज करेंगे या फिर इसके अंदर डिस्काउंट लगाएंगे। वैसे जो इसकी प्राइस है वो बहुत मतलब ज्यादा ऐसे लगती है मेरे को मेरे हिसाब से क्योंकि मैं इतना मतलब महंगा स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा इसलिए मेरे हिसाब से तो महंगी जो ले सकते हैं वो ले लेंगे। तो मित्रों रुकिए अभी आप कहाँ जा रहे हैं अभी आपको मैं आज की एक टेक न्यूज बता देता हूँ। आज की टेक न्यूज ये है कि जल्दी मी बैंड 7 इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा
ऐसा बताया जा रहा है या फिर इंडिया के अंदर या फिर चाइना के अंदर लॉन्च हो जाएगा 27 मई को। ऐसा बताया जा रहा है कि 27 मई को शायद ये इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो इसकी डिस्प्ले रहेगी बहुत ही बड़ी डिस्प्ले रहेगी, 1.62 इंच की शायद तक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि ज्यादा व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, जो कि मी बैंड 6 आया था उससे भी ज्यादा आपको अच्छे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो वीवो X80 प्रो के बारे में, जो कि मैंने थोड़ी बहुत जो स्पेसिफिकेशन आए थे उसके बाद मैंने आपको सब कुछ उसके बारे में बता दिया है। और ये इंडिया के अंदर लॉन्च भी होने वाला है तो उसकी भी सब डिटेल्स मैंने आपको आज की वीडियो बता दिया है। और ये आपको आज की टेक न्यूज भी बता दी कि आज की टेक न्यूज क्या थी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से नीचे टेक बड़ी शान को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के न्यू अमेजिंग वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आज की आपको ये टेक न्यूज अच्छी लगी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जो भी इस फोन के बारे में और आज की टेक न्यूज के बारे में जानना चाहते हैं, जिनको इंटरेस्ट है उनके साथ ये शेयर कर दीजिए। और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, वीवो X80 प्रो के लिए आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, और कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा, और आज की टेक न्यूज कैसी लगी ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मित्रों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर स्टेक बड़ी शान, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। हरे कृष्णा।